उन लोग क्या कर रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज कल जो हमने किया था ना, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में दो एंट्री में अपना वीडियो क्या हो गया था, बंद हो गया था, तो आज हम लोग वहां से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में मेरे वीडियो क्या होते हैं, थोड़े से ब्लर होते हैं, तो हम लोग मोबाइल से लेते हैं, अभी थोड़ा बजट कम है इसके लिए धीरे धीरे कैमरा लेंगे तो उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और उनकी कंटेंट भी अच्छे हो जाएंगे। हाँ, ब्लर होता है स्टार्टिंग में, चलो माना, लेकिन धीरे 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 आप अगर ध्यान से वीडियो देखोगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा कंटेंट जो भी बताया गया है वीडियो में। तो प्लीज ब्लर होने की वजह से आप वीडियो बंद मत करो, उसको ध्यान से देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना था आज, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, ये कौन सा केस था, केस नंबर 4 था। पहले हमने कौन सा केस किया, रिटेन बिल, फिर उसके बाद रिटेन बिल में कितनी एंट्री आई थी, 3। रिटेन बिल की खुद की एंट्री अपने को नहीं मारनी थी। उसके बाद कौन सा था, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, उसमें कितनी आई, 4। डिस्काउंटिंग की एंट्री मारी, फिर हमने फिर ऑनर डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस एंड डिसऑनर विद विदाउट नोटिंग चार्जेस, इतने हमने किया है ना, इतनी एंट्री आई। फिर उसके बाद हमने एंडोर्समेंट किया, एंडोर्समेंट की एंट्री मारी, फिर उसका 3 एंट्री और कौन सी, ऑनर डिसऑनर और डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, उसमें 2 एंट्री के बाद हम लोग का वीडियो क्या हुआ था, बंद हुआ था, तो वहां से करते हैं। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, जैसे पहली एंट्री क्या आएगी, सॉरी ए बी हो गया था, अभी सी है ना, तो नोटिंग चार्ज विथ नोटिंग चार्जेस, ड्रॉवी ने क्या किया, क्या हो गया, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, सॉरी ये क्या हो गया, दिस ऑनर, ठीक है, विद नोटिंग चार्जेस, ये पहला केस, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में बिल क्या हो गया, डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस। तो मुझे बताओ यहाँ पे नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, बिल हमने किसको दिया हुआ है, बैंक को दिया हुआ है कि बाबा तू एक काम कर, हम लोग बिजी है, बिजनेसमैन बिजी है, ठीक है, उसने किसको दे दिया बिल, बैंक को कलेक्शन के लिए। बैंक क्या करेगा, कलेक्ट करके वो पैसा किसको देगा, खुद अपने पास रखेगा या ड्रॉवर के अकाउंट में जमा कर देगा, ड्रॉवर के अकाउंट में जमा कर देगा है ना। अब यहाँ पे बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो आपको पता है कि जैसे ही डिसऑनर वर्ड आया आप किसको डेबिट करोगे, ड्रॉवर को डेबिट करोगे, किसकी बुक में हम लोग काम कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर है ना। तो ड्रॉवी क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, डिपेंड ऑन द केस, अगर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन तो वो है ना, इंडोर्समेंट होता तो यहाँ पे क्या था, इंडोर्सी आता, डिस्काउंटिंग होता तो यहाँ पे क्या था, बैंक आता, रिटेन बिल होता तो यहाँ पे क्या था, बिल्स रिसीवेबल आता। वैसे ही यहाँ पे क्या है, अभी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है, यहाँ पे क्या आएगा, बैंक फॉर कलेक्शन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिंग चार्जेस का पैसा कौन पे करेगा, ड्रॉवर अपनी जेब से पे करेगा, बैंक गया उसको पैसे नहीं मिले, बैंक सीधा बिल किसको दे देगा, ड्रॉवर को दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉवर नोटरी बॉडी के पास जाएगा तो उसके जेब से क्या जाएगा, कैश और बैंक, फॉर व्हाट, फॉर नोटिंग चार्जेस, ठीक है। और ये दोनों पैसा, बिल का पैसा और नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे वसूलेंगे हम लोग, ड्रॉवी के पास से, ठीक है। तो ड्रॉवी अकाउंट जब भी डिसऑनर वर्ड है, ड्रॉवी अकाउंट ऑलवेज क्या होगा, डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, डिपेंड ऑन द केस, ठीक है। नोटिंग चार्जेस का पैसा 2 टाइम कौन भरता है, ड्रॉवर, 2 केस में, पहला रिटेन बिल के केस में टू कैश और बैंक आता है, और दूसरा कौन सा, बैंक फॉर कलेक्शन वाले में। डिस्काउंटिंग वाले में कौन पे करता है नोटिंग चार्जेस, बैंक खुद, तो एंट्री क्या आई थी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक विद नोटिंग चार्जेस है ना, और बैंक किया था, यहाँ पे हमने कैश और बैंक नहीं लिखा था। फिर उसके बाद अगर बिल क्या है, इंडोर्समेंट है, तो यहाँ पे क्या लिखा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट
नोटिंग चार्ज का पैसा किसने पे किया रहेगा? इंडोरसी। तो इंडोरसी के अमाउंट अमाउंट में कितना लिखा रहेगा हमने? बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट। ट्रॉली को कितने से डेबिट करेंगे? बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस का। समझ में आया कुछ? याद रहेगा? ठीक है, नेक्स्ट अभी चौथे केस में ए बड़ा हमने, अभी ए नहीं था, ये सी था ना, सॉरी फॉर मच, डी। अगेन डी समझ लो, लेकिन विदाउट नोटिंग चार्जेस। डी समझ लो, विदाउट नोटिंग चार्जेस, तो इसका क्या है? डिसऑनर वर्ड आया, ट्रॉली को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, है ना? तो क्रेडिट क्या आएगा? क्या केस है? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो क्या आएगा यहाँ पे? बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नोटिंग चार्जेस का यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये दो टाइप का क्या है डिसऑनर? तो मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था कि दो तरह का डिसऑनर, मतलब एक में क्या होता है कि पैसा देना ही नहीं चाहता है, दूसरे में क्या है उसका इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, पैसा देना चाहता है बट उसके पास अरेंज उस दिन पे नहीं हो पाया। तो ड्यू डेट के दिन अवश्य आपको मालूम है, ड्यू डेट के दिन अगर पेमेंट नहीं मिला कोई भी रीजन, तो क्या होता है? डिसऑनर हो जाता है, है ना? तो यहाँ पे डिसऑनर हुआ विदाउट नोटिंग चार्जेस, मतलब उसने रिक्वेस्ट किया होगा कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, और यहाँ पे पेमेंट वो करना ही नहीं चाहता, उसका इंटेंशन क्या है? रॉन्ग है। समझ आया कुछ? एंट्री याद हो जाएगी। अच्छा, ये हो गया डिसऑनर, किसका? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब इसके बाद हम लोग का कौन सा केस आएगा? रिटायरमेंट का। ठीक है, तो केस कौन सा है? पांचवा। रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ बिल में क्या होता है? रिटायरमेंट ऑफ बिल में क्या होगा? देखो, इसका मतलब तुम लोगों को नहीं पता है। रेट किसी को आपने माल बेचा, तो आप कौन हो गए? सेलर। तो आप ड्रॉवर हो गए, वो क्या बन जाएगा बाद में? ड्रॉवी। आपने उसके ऊपर कितने महीने का बिल बनाया? दो महीने का बिल बनाया, तो दो महीने बाद वो क्या करेगा? आपको पेमेंट देगा, है ना? लेकिन दो महीने के पहले अगर उसने पेमेंट नहीं दिया और हमें पैसे की जरूरत है, तो हम किसके पास जाएंगे? बैंक के पास डिस्काउंटिंग करा लेंगे, है ना? वो तो हमने सीखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि ड्रॉवी, समझो दो महीने के ड्यू डेट के पहले ही अगर आके पेमेंट देता है, ड्रॉवी ड्यू डेट के पहले ही अगर पेमेंट देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ बिल। देखिए, आपको दो महीने बाद पैसे देने वाला था ड्रॉवी, कितने महीने का बिल बना था? दो महीने का। उसने एक महीने में पैसा ला के दे दिया, ये क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो आप भी क्या करोगे, एक महीने के हिसाब से उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दोगे। क्यों? आपको पहले पैसा मिला तो उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो ना आप, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, बिल रिटायरमेंट ऑफ बिल एक तरह से क्या होता है? ऑनर ऑफ बिल। तो ऑनर जब बिल होता है तो ड्रॉवर के पास क्या आता है? पैसा आता है ना। यहाँ पे एंट्री क्या आएगी? कैश ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके अकाउंट से पैसा आएगा? बिल के अकाउंट से पैसा आएगा ना। और फिर हम उसको क्या देंगे? थोड़ा सा डिस्काउंट, यानी उसको क्या बोलते हैं? रिबेट। तो रिबेट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ बिल की क्या एंट्री होगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवर अकाउंट। ये ऑनर का ही केस है, लेकिन ये ऑनर क्या होता है? जल्दी होता है, बिफोर द ड्यू डेट, है समझे? ओके, तो रिटायरमेंट समझा आप लोगों को। छठा जो केस है वो क्या है? रिन्यूअल ऑफ बिल। अब रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है? वो दिन पहले रिन्यूअल ऑफ बिल में चार एंट्री आती है सिग्मा की, सी आई पी पी एन ए। ठीक है, शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। सी फॉर कैंसल द ओल्ड बिल, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, पार्ट पेमेंट मतलब कुछ ना कुछ जो पेमेंट करेगा, और एन ए मतलब न्यू एक्सेप्टेंस, बाकी के लिए नया बिल। तो ये केस कैसे पता है? देखो, रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या होता है? आपको पता है कि आपको बिल भरना है ना? लेकिन आपको ये भी तो पता होगा ना कि आप उस पैसे का इस्तेमाल कर पाओगे, मतलब इंतजाम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, है ना? तो लेट किसी को आपने माल सेल किया, वो बंदा आपका ड्रॉबी है, दो महीने बाद उससे पेमेंट देना है,
लेट अगर 5 तारीख, आज कितने तारीख है, है ना, आज ये डेट है, इसके 2 महीने बाद का आपने क्या किया, डिविडेंड बनाया, 2 महीने बाद का आपने बिल बनाया, तो 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करोगे और 2 दिन 2 महीना, तो ये कितना हो जाएगा 19 + 3 = 22, नवंबर के बाद क्या आएगा दिसंबर, फिर जैन और फिर क्या आएगा 2000, ये आपका क्या हो जाएगा लीगल ड्यू डेट हो जाएगा, ये कैलकुलेट करने मैंने आपको सिखाया होगा, है ना, तो लीगल ड्यू डेट हो गया ये। अब 22/1 को ड्रॉबी ने पैसा देना है ड्रॉवर को, तो क्या ड्रॉबी को पता नहीं चलेगा कि उसके पास पैसे अरेंज हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, पता चलेगा, है ना, या फिर ड्यू डेट के पहले या फिर ड्यू डेट के दिन ड्रॉबी क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा किसको, ड्रॉवर को, कि बाबा मैं पेमेंट पूरा बिल का नहीं कर सकता हूँ, लेट 10,000 का अगर आपका पेमेंट है, कितना है 10,000 का आपका बिल है और उसके पास अरेंज हुआ खाली 4,000, तो वो कितना पे करेगा उस टाइम पे, 4,000, तो 4,000 का वो क्या करेगा, पार्ट करेगा, तो आप क्या करोगे, सीधा ओल्ड बिल किया जो पहले बना था आपने वो कैंसिल कर दोगे, क्यों, क्योंकि बिल का पूरा पैसा मिला क्या, नहीं मिला, तो बिल क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है, फिर उसने पार्ट पेमेंट कर दिया, तो ये वाला पार्ट हो गया, फिर बचा कितना 6,000, वो बाकी के 6,000 के लिए और टाइम मांग रहे, तो स्टार्टिंग में जो हम लोग क्रेडिट पीरियड देते हैं ना, माल जब बेचते हैं और क्रेडिट पीरियड उधारी का टाइम देते हैं, वो बिजनेस का रूल होता है, बिजनेस का वसूल है अपना, है ना, लेकिन अगर एक्स्ट्रा टाइम मांगता है तो उसके लिए क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट आप कितने पे चार्ज करोगे, 10,000 पे, 4,000 पे, 6,000 पे, ये बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट पे क्या करोगे आप, इंटरेस्ट चार्ज करोगे जितना भी वो क्रेडिट पीरियड मांग रहा है, लेट 2 महीने और क्रेडिट पीरियड मांग रहा है, तो 2 महीने का आप क्या चार्ज करोगे, इंटरेस्ट, आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा या फिर इंटरेस्ट का डायरेक्ट अमाउंट दे देगा, अभी जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, लेट इस पे 100 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो ये 100 रुपये जो इंटरेस्ट है ना, या तो वो पार्ट पेमेंट के साथ करेगा, तो पार्ट पेमेंट करेगा तो कितना हो जाएगा 4,100, या तो फिर वो नया बिल जो बनेगा वो कितने का बनेगा 6,100, है ना, तो न्यू एक्सेप्टेंस, तो आपने यहाँ पे क्या क्या देखा, ओल्ड बिल है वो क्या हो जाएगा कैंसिल, पार्ट पेमेंट हो रहा है, बैलेंस अमाउंट पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं हम लोग, और बाद में क्या हो रहा है न्यू एक्सेप्टेंस, तो मैंने बताया कि न्यू एक्सेप्टेंस, अभी ये केस में मैंने क्या बताया कि हम लोग इंटरेस्ट किसके साथ प्लस कर रहे हैं, नए बिल के साथ, लेकिन इंटरेस्ट का पेमेंट क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपको पार्ट पेमेंट के साथ कर रहा है या फिर नए बिल के साथ कर रहा है, तो नए बिल के साथ कर रहा है तो इंटरेस्ट अमाउंट यू हैव टू ऐड इन दिस बैलेंस अमाउंट, एंड अगर आपको बोला है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट का अमाउंट वो पार्ट पेमेंट के साथ कर रहा है, तो आपको यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा 4,100, और नया बिल कितने का बनेगा ओनली फॉर 6,000, अंडरस्टूड नॉट, ठीक है, यहाँ पे कितनी एंट्री आएगी, टोटल 4 एंट्री आएगी, तो सबसे पहले तो क्या करोगे, कैंसिल ओल्ड बिल आप कैंसिल कर दो, तो ओल्ड बिल कैंसिल कर दोगे तो क्या होएगा, कैंसिल मतलब डिसऑनर, सीधा सीधा किसको डेबिट करने का, ड्रॉबी को डेबिट कर देने का, अभी ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ड्रॉबी को क्या करोगे डेबिट, तो क्या एंट्री आएगा, ड्रॉबी अकाउंट डेबिट, बिल कैंसिल कर दे मतलब डिसऑनर, क्रेडिट क्या होएगा, डिपेंड ऑन द केस, अगर उस वो बिल जो रिन्यूअल के लिए आया वो बिल अगर क्या है रिटेन बिल है, यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल, बहुत से बुक में खाली बिल्स रिसीवेबल दिया रहता है, कैंसिल किया ना तो ड्रॉबी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बच्चे लोग यही रट्टा मारते हैं और बाद में होता क्या एग्जाम में रॉन्ग हो जाता है, अगर वो बिल को डिस्काउंटिंग किया है तो क्या आएगा, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल आएगा या बैंक आएगा, समझ में आया, तो यहाँ पे आप याद रखो कि उस बिल का ओल्ड बिल का हुआ क्या, बिल पहले क्या होगा माल सेल किया होगा, स्टोरी समझो अच्छे से, माल सेल करने के बाद क्या होगा, बिल एक्सेप्ट होगा, बिल एक्सेप्ट होने के बाद ड्यू डेट का डेट आएगा, उस ड्यू डेट पर अगर नहीं पे किया तो क्या होगा, ये रिन्यूअल करेंगे, लेकिन ड्यू डेट के पहले क्या ड्रॉबल उस बिल का किया, क्या इंडोर्स किया है कि डिस्काउंटिंग किया है कि बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, क्या है कि बिल रिटेन, कितने केस पड़े थे, 34 पड़े थे, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, तो अगर रिटेन बिल है तो बिल रिसीवेबल, अगर आपको मालूम है क्वेश्चन आपने पढ़ा है, तो अगर डिस्काउंटिंग है तो क्या आएगा यहाँ पे बैंक अकाउंट, अगर क्या है एंडोर्समेंट है तो कौन आएगा एंडोर्सी अकाउंट आएगा,
और अगर क्या है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है तो क्या आएगा टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, समझे कि नहीं। ये इस तरह से एंट्री, ये हार्ड नहीं है, इजी है, याद रख लो इसको, ध्यान से वीडियो देखो समझ में आ जाए। फिर अगला क्या है बी इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट से पहले हम क्या करेंगे पार्ट पेमेंट की एंट्री मार देते हैं, नहीं इंटरेस्ट की एंट्री करना, सॉरी इंटरेस्ट पहले बैलेंस अमाउंट पे क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उस इंटरेस्ट को कहाँ एडजस्ट करना है पार्ट पेमेंट में कि न्यू एक्सेप्टेंस में, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो इंटरेस्ट की क्या एंट्री आएगी मुझे बताओ, ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्स्ट्रा इनकम हो गया ना, एक्सपेंस कैसे होगा, इनकम होगा। ड्रॉवर पर भी पहले जितना पैसा मिलना था उससे ज्यादा मिलेगा, तो ड्रॉवर के लिए क्या होगा इनकम, तो इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट होगा। और ये इनकम किसके पास से मिलने वाला अपने को, तो ड्रॉवर के पास है, तो ड्रॉवर अकाउंट क्या होगा डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, समझ में आया ना एंट्री। ओके फिर अगला एंट्री क्या आएगा ए बी सी, सी में ड्रॉ भी क्या कर रहा है पार्ट पेमेंट कर रहा है, तो हमारे पास क्या है पार्ट पेमेंट ड्रॉ, हमारे पास क्या आएगा पैसे, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन दे रहा अपने को पैसा, ड्रॉ दे रहा, समझ आया कुछ पार्ट पेमेंट। फिर अब अगला क्या होगा नया एक्सेप्टेंस, न्यू एक्सेप्टेंस, न्यू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की एंट्री याद होगी ना, तुम लोगों को कल बताया था बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग, सेकेंड एंट्री देखो क्या होगा है ना, तो क्या होगा यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है। अच्छा ये एंट्री याद करने के लिए क्या करना, सीखना है ये याद रखो, ये नाम याद रखो क्या सीखना है, और यही ऑर्डर में एंट्री आएगी। और इसमें देखोगे ना तो एक खास चीज क्या तुम लोगों को नजर आएगी, स्टार्टिंग के दो केस में क्या होगा ड्रॉवी डेबिट होगा, और बाद के दो केस में क्या होगा ड्रॉवी क्या होगा क्रेडिट होगा, समझ रहे, स्टार्टिंग में दो केस में क्या होगा ड्रॉवी डेबिट होगा, पहले में कैंसिल है तो डिपेंड ऑन द केस क्या आप लिखने वाले हो, ठीक है। फिर इंटरेस्ट में ड्रॉवी डेबिट होगा तो इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट में क्या आएगा अपने को पैसे तो ड्रॉवी, और न्यू एक्सेप्टेंस में क्या आएगा, एक्सेप्टेंस में क्या आता है बिल टू ड्रॉइंग, समझ में आया। देखो अगर मैं कल का वीडियो जिसमें मैंने टर्म्स बताए थे एंट्रीज बताई थी इम्पोर्टेंट, और आज पहले मैंने पहले वीडियो में क्या बताया टर्म्स, फिर मैंने ड्यूटेल कैलकुलेट करना सिखाया बिल बनाना सिखाया, फिर आज मैं क्या बता रहा हूँ, तो कल मैंने क्या बताया एंट्री बताया, और आज एंट्री बता रहा हूँ, कल का एंट्री आज का एंट्री मिला के 23 से 24 एंट्री होगा। अगर ये याद कर लेते हो आप तो आपको आगे के सम्स में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, 15-20 मिनट 15-15 मिनट में 10-10 मिनट आप सम सॉल्व कर लेंगे, समझ गए। इतना हो गया, अभी इसके बाद ना एक लास्ट केस रह गया, उसमें कितनी एंट्री आती है दो, और वो दो एंट्री क्या होगी देखो ध्यान से, कौन सा पांच केस होता ना, एक छठा केस बहुत ही सिंपल है, कभी कभी क्या होता है ड्रॉ भी इंस्टॉलमेंट हो जाता है, होगा कि नहीं होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ड्रॉवी को भूली आदतें होगी तो उसके लिए क्या हो गया इंस्टॉलमेंट हो गया, तो उस केस में क्या होगा देखो, इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉ, इंस्टॉलमेंट का मतलब जानते हो ना, ठीक है, बंदा बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, वो पैसे देने की हालत में नहीं है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको मालूम है कि आपके बिल का या तो पूरा पैसा तो मिलने वाले, या तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा, या तो पूरा मिलेगा बाकी का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रॉवी बिकम इंसॉल्वेंट, तो उस हालत में सबसे पहले क्या करोगे ओल्ड बिल को कैंसिल कर दो, है ना, कैंसिल ओल्ड बिल, यहाँ पे ड्रॉवी इंसॉल्वेंट होगा तो थोड़ी ना बोलेगा मैं पैसे नहीं दूंगा, वैसे बोलेगा क्या, वो तो बोलेगा भाई मेरे पास पैसे ही नहीं, पैसे नहीं दूंगा और पैसे नहीं है दोनों में फर्क है ना, क्योंकि वो क्या हो गया इंसॉल्वेंट, इसके लिए पैसे लेने की कंडीशन में नहीं है, वो बोलेगा मैं देना तो चाहता हूँ बट मैं दे नहीं सकता हूँ, तो क्या करोगे आप बिल कैंसिल करोगे, क्योंकि आपको बिल का पैसा नहीं मिलने वाला है, कैंसिल मतलब मैंने क्या बताया था डिसऑनर, डिसऑनर में किसको डेबिट करते हैं ड्रॉवी को,
तो ड्रॉ भी क्या हो जाएगा, तो ड्रॉ दी अकाउंट डेबिट टू। अभी केस क्या है, उस बिल का आपने किया क्या, अगर रिटर्न बिल है तो क्या जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अगर वो बिल क्या है डिस्काउंटिंग किया है तो क्या आएगा टू बैंक अकाउंट, अगर वो बिल क्या किया है इंडोर्स किया है तो क्या आएगा इंडोर्सी अकाउंट, अगर वो बिल क्या किया है बैंक फॉर कलेक्शन है तो क्या आएगा बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। समझ में आया, कैंसल बिल करोगे तो क्या होगा। फिर नेक्स्ट सर्विस बी फाइनल सेटलमेंट या फाइनल डिविडेंड भी बोल सकते हो, है ना। फाइनल सेटलमेंट में क्या होगा, आपको पैसे वो देगा तो कुछ पैसे आपको मिल जाएंगे, जो पैसे नहीं मिलेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग बैड कस्टमर से हमें या डेटर से हमें पैसे नहीं मिलते हैं या नहीं मिलने वाला है तो उसको क्या बोलते हैं बैड डेट्स। हमारे लिए क्या एक्सपेंस लॉस है, डेबिट और एक्सपेंसेस है लॉसेस, डेबिट डेबिट, और ये दोनों भी चीजें किसने दी हमें ड्रॉबैक, कौन हो गया ड्रॉबैक। समझ में आया कुछ, तो आज यहाँ पे ये केस पूरा हो गया, कल से हम लोग करेंगे टेक्स्टुअल क्वेश्चन, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जो अनसॉल्व क्वेश्चन है ना वो हम लोग क्या करेंगे पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप लोग ये अच्छे से समझ लो अकाउंटिंग टर्म्स, समझ लो अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने बताया था ऑनर क्या होता है, डिस ऑनर क्या होता है, ड्राफ्ट किसको बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रेस पीरियड क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है, वो आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एंट्री कल से मैंने अभी तक बता दी, ठीक है। तो